वो क्या फातिमा से क्लासेस लेनी पड़ेंगी खाने वाने की भाई। तो और सेकंड थिंग, मैंने आपसे ये बात शेयर करनी थी कि अलजबा से क्या घर वाले नाराज हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी खैर खैरियत से। तो आज के जुम्मे का मुबारक दिन है, तमाम भाइयों को बहनों को मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक, और मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ है, और उम्मीद करता हूँ आप भी हमारे लिए दुआ करते होंगे लाजमी। तो बस यही छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी दुआ कीजिएगा, और हमारी दुआ आपके साथ है। खैर, कहने का मकसद ये कि दिन का स्टार्ट हो चुका है माशाल्लाह से, और आज भी एज यूजुअल ठंडा मौसम चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह का अल्लाह शुक्र है। बाकी अपडेट आपको दिन के हवाले से जो भी आपको देते रहेंगे। तो आज मुझे इम्तियाज़ जाना था, तो शाम को हम इम्तियाज़ जाएंगे, और उसके बाद आते ही मैं अपनी शिफ्ट पर निकल जाऊँगा इंशाल्लाह, था क्योंकि मेरी रात की शिफ्ट है, और फिर आज दोबारा से रात की शिफ्ट 2 बजे। तो खैर, एनी वे जो भी अपडेट होगा वो देते रहेंगे, प्लीज़ हमारे साथ बने रहिएगा। जी, मैं और अली बाबा निकल रहे हैं इम्तियाज़ स्टोर, और वहाँ से सामान लेके आना है, और घर का राशन वगैरह सामान जो भी है, दूध और इसके अलावा काफ़ी सारे आइटम्स हम लिख लिए हैं, अभी लेके आते हैं। घर का राशन अक्सर हम लेके आते हैं घर का, तो अभी डायरेक्ट वहीं जा रहे हैं। अली भाई रेडी हो गए? अली भाई बस अभी निकलते हैं और जल्दी आते हैं, फिर शाम हो जाएगी और फिर मुझे ऑफिस के लिए निकलना होगा। फिलहाल निकलते हैं इम्तियाज़ के लिए। सर जी, हम पहुँच गए अपने मकसद, जहाँ से अक्सर आते हैं अपने सामान लेने, और एक ही जगह है इम्तियाज़, आपको पता है तकरीबन हर बार हम आपको यही दिखाते हैं, और ये जंजमा पे पता है सबको कि जंजमा पे एक इम्तियाज़ है बड़ा। अभी जाते हैं राशन वगैरह लेते हैं, और उसके बाद जी माशाल्लाह से अब बिल्कुल टाइम हो गया है एंड, और मेरी शिफ्ट को सिर्फ गया घंटा, तो जल्दी से लिखा घर छोड़ते हैं और सामान भी ड्रॉप करते हैं, क्योंकि सामान हमारे पास इतना सारा हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं ट्राली पूरी फुल करके ले जा रहा हूँ। इसके अलावा मुझे भी एक कॉटन और लेना पड़ेगा ये महीने से पहले। तो चलते हैं घर, इनको पहले डबल शॉपर करते हैं और फिर निकलते हैं घर की तरफ। अलिशबा ट्रॉली जो है ना जल्दी से खींचने के, जल्दी से घर पहुँचे आसान हो जाए। चले जी, अजान हो रही है, अभी व्लॉग को एंड यहाँ पे रोकते हैं। भाई ये सारा सामान अभी जो हम रख रहे हैं, अभी इसमें स्नैक्स वगैरह भी, इसमें स्नैक्स वगैरह है, और जो है ना सामान और भी लगा रहे हैं, जैसे ये टूथपेस्ट वगैरह। उसके अलावा अम्मी मैंने अभी जाना है ऑफिस, ठीक है? आपको काम है तो बता दो। मुझे तो ऐसा भाई हंसा करो, लोग कहते हैं हंसती नहीं है, ऐसा रोक जरा के खड़ी होती है, बड़ा जालिम इंसान है। ये गलती से हंस भी गया, करूंगी ना अम्मू ऐसे मुंह बनाती है, लोग बोलते हैं कि हंसती नहीं है, जालिम इंसान है। तो आपकी अम्मी का एटीट्यूड खत्म नहीं होता आपके ब्लॉग में भाई। आप लोगों ने मेरी अम्मी की जो है ना, आप लोगों ने मेरी अम्मी की जो है ना वो खतरनाक वाली हंसी नहीं सुनी है। वो हंसी पूरे एरिया में और पंजाब में मशहूर है, इवन लोग कहते हैं कि मेरी अम्मी कहीं से आ रही है, वो ऐसा हंसना है। तो अल्लाह करे वो कभी मेरे ब्लॉग में ऐसा फ्री ना हंसे, वरना आप भी कहेंगे कि बस आंटी अब इतना हो गया, अब काफ़ी है। तो खैर ऐसा फेस बनाती है, लोग कहते हैं ऐसे रोब में होती हैं, वैसे होती हैं, और इससे जालिम इंसान है, खतरनाक वो है ना, स्टार प्लस वाला हंसी नहीं होती वो है। नमाज पढ़ती 5 वक्त, कुरान पाक पढ़ी हुई है हर वक्त, अल्लाह अल्लाह करती है। अच्छा अबू यार, पता नहीं मुझे को लगता है 1980 वाली मूवी आपने देखी हुई है, ऐसे बात करते हैं। सीधे से मूंगफली रगड़ नहीं, और आपको कोई एक लेडीज बुला रही थी। कौन? अरे लेडीज बुला रही थी, लेडीज बुला रही थी, जानते होगे तुम भी उसको। कौन? सोनी मासी। अच्छा हाँ, सोनी मासी बहुत अच्छी लेडी है, वो बुला बेचारी इधर बैठी है, ये बीमार है, तो मैं ये भी उसको पूछ के आई हूं। चले मिल लेंगे उनसे, भी मिल लेंगे अभी। बाकी अभी मैं मशीन ले आया हूँ भाई, एक कमरे का रहता था मशीन आपके कमरे का, वो आपको मैंने वापस कर दिया, और मैंने अपना ले लिया, ठीक है? और लिक्विड भी लेकर आया हूँ, इसके लिए खत्म हो रहा है लिक्विड, वो पड़ा हुआ है ऊपर, आप ले लीजिएगा, ठीक है? तो अभी हम चलते हैं, मैं निकलता हूँ, मुझे निकल लेट हो रहा है, ठीक है? अभी तो क्या कुछ खा लोगे वहाँ पे? मैं खा के आया हूँ ऑलरेडी वहाँ से, मजाक कर रहा था। हाँ आज के बाद निम को कैंसिल, पापे शापे सब कैंसिल, आपके सब कैंसिल। तो भाई अभी इसकी हर चीज आप लोगों ने लानी है भाई, मैंने बिस्किट लाया हूँ वो भी कैंसिल। दे दो इसको बिस्किट, ये वाले नहीं यार, ये अबे टक भी लाया हूँ, ये भी लाया हूँ, ये बाद में देंगे अब्बू को। अच्छा चलो, ये मीठे वाले नहीं खाते ना, मैं समझ गया वीटेबल खाते हैं। नहीं वीटेबल नहीं खाता, ये खाता है जीरे वाले। अरे वो पड़े थे सामने, अरे वो बताइए सर कुछ आपकी अम्मी लाएगी, अभी आपने वो जो लाया ना वो सही है, ठीक है? एक और पड़ा है, जब खत्म हो लिस्ट से ले लेना। हाँ ये टक तो कोई खा नहीं सकेगा, मैं भी खा जाऊंगा, खा लेना, कैसे खाओ, खा लेता हूँ आराम से, खा लेता हूँ। चले हम ये नीम को भी लाए, बनेगी ना आप फिर खा ले। नहीं मैं ऐसे ही खा लेता हूँ, इतना नमक होता है आपके टूथपेस्ट में, नमक है मेरे टक में, नमक है
तो खैर अभी चलते हैं भाई। चाय के साथ अच्छा लगता है भाई, ये यहाँ पानी रखा करो, काफी लोग कहते हैं अच्छी चीज़ नहीं है कि आप बिस्तर में रखते हैं, इसमें कुछ मजा खा ले जरासीम जर्म्स वगैरह रखते हैं, हमने तो नहीं रखा आप लोगों ने। अरे भाई चलो यहाँ से उठाओ। और यहाँ पर देखे ये इतना सारा सामान हम लेके आए हैं, थक गए बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर देखे ये लिए, ये आप कहाँ से लाए थे? ये वहाँ बेबी जान से पनीर में सैंडविच लिया था ना, ये वहाँ से। अच्छा ये तो अच्छे हैं बहुत, ये अच्छे और क्रिस्पी हैं, ये अच्छे होते हैं, ये इसके डॉन के अच्छे होते हैं और बेक पार्लर के भी अच्छे होते हैं, डॉन सबसे अच्छे चल रहे हैं, नाम जो है ना डॉन के। चले अभी इनको ना इनकी जगह पे सही से रख देते हैं, बिल्कुल इनको भी जगह जाते हैं। कितने मुश्किल से लेके आए हैं, ये तो आज बहुत भारी लग रही थी। डेढ़ लीटर है ये, डेढ़ लीटर है और उसमें समझो 12 किलो है। अच्छा मैंने सोचा मुझसे उठाई क्यों नहीं जाए, 12 किलो है। चले ये बड़ी है तो अभी इनको रखते हैं। फ्री हो गए, बिल्कुल लेट नाइट आए हैं, ये मेरे ख्याल लेट नाइट ये खुला रहता है तो यहाँ पर मुझे अंदाजा था, तो यहाँ जूस पे निकले तो भाई मैंने अपना सेब का जूस मंगाया और दोस्त ने जो मंगाया वो अंगूर का जूस मंगाया, पता नहीं वो कैसा था, खैर मुझे तो सेब का पसंद है। अभी बैठ के जूस पी रहे और फिर अभी निकलते हैं घर, क्योंकि रात का बज रहा है 1 और अभी फ़िलहाल जो है ना सोने का टाइम हो गया, सुबह भी वेट करते करते बेचारी सो गई क्योंकि मैं आज लेट फ्री हुआ हूँ, काफ़ी काम था। देखते हैं फिर क्या सीन है, जो भी है आपको अपडेट करते रहेंगे। तो जी हम रात को, कल काफ़ी मैं लेट आया था, कितने बजे आया था इस रात को? तकरीबन 4 बजे। तो रात को 4 बजे में घर आया था, रात को भी नहीं सुबह आए थे, सुबह कह सकते उसको कि सुबह 4 बजे आया था। मोबाइल चला रहे थे जब मैं उठी तो भाई मैं जब आया मैंने कहा देखो वैसे ही दिल नहीं भरा, फिर फजर होने वाली है और वैसे में फजर होने वाली थी, सुबह ही आया था तो सुबह मैंने नमाज वमाज पढ़ के सोते हैं, तो नहीं जी अली ने मुझे बोला नहीं आए अभी भी मोबाइल यूज़ करें, मैंने जैसे मोबाइल लगा वैसे ही टिप हो गया, तो आके ऐसे ही काली नहीं होगी। तो नहीं ऐसी काली नहीं करना पड़ता है भाई। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई अरीश बाबू क्या फातिमा से क्लासेस लेनी पड़ेंगी खाने वाने की, भाई खाने वाने की क्लासेस तो ऐसा है क्योंकि अरीश बाबू जो है ना अम्मी काफ़ी अरीश बाबू से ना इनकी अम्मी जो है ना अरीश बाबू की काफ़ी मोहब्बत करती थी पंजाब में, वो इवन के इनको चूल्हे के करीब भी नहीं आ देती है, ऐसी लगा ऐसी नहीं अंगूरा ये ऐसे नहीं काला, खैर क्या तो चूल्हे के करीब नहीं आती थी, बाकी सारी हेल्प ले लेती थी इनसे, लेकिन ये है कि चूल्हे के करीब नहीं आ जाती थी क्योंकि बोलते थे कि नहीं मेरी बेटी जो है ना काली हो जाए। नहीं नहीं ऐसे और पढ़ाई करती थी ना सारा दिन, फिर ट्यूशन चले जाती तो इसलिए इनको खाना वगैरह और सारे काम आ जाते हैं और खाने का इतना नॉलेज इसलिए नहीं है, और वो ऐसा सीख रही माशाल्लाह कितना सारा, तो अबू ने सिखा दिया है अलीफा, पुलाव बना लेते हैं आप? हाँ। वाल बना लेती हैं, उसके अलावा भिंडी इवन और कुछ सब्जियां भी बना लेती हैं, और मैं नेट पे देख के बनाती रहती हूँ। अच्छा बनाती रहती हैं, तो खैर अलीफा जो है ना अब आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह खाने का बहुत कुछ सीख चुकी हैं, अब कुछ जाहिर सी बातें उनको भी खाना बनाना आता है, जो हमारी भाभी साहिबा आई नहीं घर में तो कुछ दोनों मिल के सहेलियाँ लग ही रहेंगी आपस में। खैर इसके अलावा मैं आपसे एक और बात शेयर करना चाह रहा हूँ, तो और सेकंड थिंग मैंने आपसे ये बात शेयर करनी थी कि अलिजबा से क्या घर वाले नाराज़ हैं? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, अलिजबा से कोई नाराज़ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, सभी एक साथ हैं और एक में, अगर अलिजबा से कोई किसी को बात होती भी तो वो अलिजबा को अम्मी या अबू जो भी ना डांट से या प्यार से समझा देते हैं कि भाई अलिजबा ऐसे डांट वो नहीं कि हाँ ऐसे क्यों किया, प्यार वाले हंसते हंसते क्यों भाई ये क्यों नहीं किया, हंसी होती अम्मी, तो इस तरह हंसी मतलब चलती रहती, कोई किसी से कोई इस दर वो नहीं है कि रानी रखता हो या अंदर बात रखता हो कि भाई मेरी बहू ने ऐसा नहीं किया या मेरी सास ने ऐसा नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी हो बात कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे घर का शुरू से असूल है, दिल में बात रख के नहीं चल रहा होता, जो भी बात होती है दूसरे को पता होती कि भाई इसको ये बात बुरी लगी कि वो दूसरा बता चुका होता है, तो ऐसे वैसे मौका हुआ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह जब शादी हुई, लेकिन छोटी छोटी बात हुई ना अम्मी ऐसे लिस्ट पर बोलती हैं क्यों भाई मैं कभी नहीं बने कि भाई ये क्यों नहीं क्या ये नहीं क्या अच्छा हमको सिखा दिया है अच्छा ऐसे ना मोहब्बत से डांटती है, वो डांटना वो नहीं होता क्यों भाई ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा मोहब्बत वाली होती है, हमारे घर में फ्रेंडली रह जाते हैं क्योंकि ये हम जिन ऑफिस में काम करते थे वहाँ कहते थे किसी की गलती होती है उसको डांट के नहीं उसको प्यार से समझाया जाता है, डांट के वो ज़्यादा समझदार नहीं हो जाता, तो चलना भी ऐसे चाहिए कि किसी को समझाना है आपने कोई चीज़ मोहब्बत से प्यार से समझाते भाई देखो आपने गलत किया ऐसा नहीं होना चाहिए नेक्स्ट टाइम आप ख्याल रखिएगा ऐसा नहीं कीजिएगा ऐसा नहीं है भाई तूने गलत किया है नेक्स्ट टाइम ऐसा अच्छा नहीं लगेगा उसके भी दिल में लगेगा यार मैं करूँगा क्या कर लेगा, हर कोई अपने में शेर है ना भाई, तो प्यार मोहब्बत से चलना चाहिए इंसान को। खैर यहीं पर अपना छोटा सा ब्लॉग एंड करते हैं,
और नए लोग वेलकम करते हैं भाई, वेलकम टू हम आवर चैनल, और उम्मीद करते हैं आपको हमारा व्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। और हमारी एक घर में खुशी आने वाली है, यानी एक शादी आने वाली बहुत जल्द इंशाल्लाह, उसकी अपडेट आपको देंगे हम, तो हमारे साथ बने रहिएगा। टेक केयर, वापस।